क्योंकि भारत कहीं ना कहीं वो नाम है जो हमारे पुराणों से आता है और हमारे को खुद ने दिया है वो नाम, ना कि किसी कॉलोनाइजेशन पावर ने हमें दिया है। बट इंडिया हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं बिकॉज़ वो काफ़ी टाइम से ऑलरेडी यू नो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। पर अभी G20 सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, तो उसमें विपक्ष ने काफ़ी मुद्दे उठाए थे, तो इसके पीछे क्या ख्याल है? भारत भारत क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इंडिया नाम कुछ ब्रिटिश लोगों ने दिया था और वो हमारे देश पे सूट नहीं होता। श्रीधर, इंडिया या भारत? भारत क्यों? क्योंकि भारत कहीं ना कहीं वो नाम है जो हमारे पुराणों से आता है और हमारे को खुद ने दिया है वो नाम, ना कि किसी कॉलोनाइजेशन पावर ने हमें दिया है। बाकी हाँ ठीक है, इंडिया है, रहेगा, उसको हटा नहीं सकते कहीं से, बट या प्राइमरीली जो यूज़ है वो इंडिया का नहीं भारत का हो तो ज़्यादा बेटर है। आपका नाम? वृति। इंडिया या भारत? भारत क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो वो काफ़ी डेरोगेटरी है। सो भारत जो वर्ड जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसका अपना कल्चरल काफ़ी हैवी, काफ़ी डीप मीनिंग है, तो नेचुरली भारत ही बनता है कि यू नो काफ़ी सोच समझ के हर चीज़ का एक कल्चरल इम्पोर्टेंस होता है अपना हर जो होता है। सो या नेचुरली भारत। मेरा नाम विजय तांती है और मैं BA ऑनर्स जर्नलिज्म का छात्र हूँ। आपको क्या लगता है आपके देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत? भारत क्यों? जो भारत होता है एक कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो भारत है हमारे वैदिक पुराणों में भी इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। जो भारत होता है भारत इन द सेंस ऑफ हमें कल्चरल चीज़ों के बारे में बताता है, तो इसलिए हमारा नाम भारत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जो इंडिया है एक इंडिया की ब्रिटिश मतलब से ब्रिटिश कॉइन था, जैसे कि इंडिया सुनते हैं वैसे लगता है कि इंडियन, जैसे कि रेड इंडियंस जो ब्रिटिशर थे वो इंडियन को एक नीचे वी में देखा करते थे, जो लेकिन जो भारत होता है हमें अपने आप को अंदर से फील देता है कि जो हमारी कल्चरल चीज़ है, तो इसलिए भारत इज बेटर देन इंडिया एंड आई वुड लाइक टू से भारत एंड आई एम प्राउड टू बी ए भारतीय। इंडिया क्यों? मतलब आई डोंट बिलीव, मतलब मुझे नहीं लगता कि नाम चेंज करने की कोई नीड है, जैसा कि शुरू से चला आ रहा है स्टार्टिंग से इंडिया, हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, हर जगह इंडिया यूज़ किया जाता है, तो कहाँ कहाँ से आप उसको रिमूव करेंगे? और बस यही कि मेरा ओपिनियन ये है कि चेंज करने की आई डोंट थिंक की कोई नीड है। यश प्रताप सिंह। इंडिया या भारत? इंडिया डैट इज़ भारत। इंडिया और भारत में मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस है, ये डिफरेंस सिर्फ हमारी सोसाइटी क्रिएट कर रही है और सोसाइटी में जो कुछ लोग अपने आँखों पर पट्टी बनाकर घूम रहे हैं सिर्फ वो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ना कि हमारी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में कोई डिफरेंस है। तो अगर आप मेरा मत पूछेंगे तो इंडिया और भारत एक ही है, ये सिर्फ हमारा मानना है कि हम उसे किस नाम से बुलाते हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में भी दिया गया है इंडिया डेट इज़ भारत, तो इंडिया और भारत सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि इंडिया को हम हिंदी में भारत बोलेंगे और भारत को हम इंग्लिश में इंडिया बोलेंगे, तो इंडिया इक्वल टू भारत, मेरे लिए भारत और इंडिया दोनों बराबर है। जय हिंद। क्या करते हैं आप? मैं BA इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर महाराज अग्रसेन कॉलेज से। इंडिया या भारत? आई सपोर्ट भारत, बिकॉज अगर हम लाइक अपने पुराने टाइम से भी देखें, जैसे महाभारत थी तो महाभारत में भी भारत का जिक्र आता है, ठीक है, तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का और सबको सपोर्ट करना चाहिए इसे। आपका नाम? प्राची। क्या करते हैं आप? मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ एंड मैं BA प्रोग्राम ऑफिस मैनेजमेंट कर रही हूँ। क्या लगता है आपको आपके देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत? हमारे देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, बिकॉज इंडिया जो वर्ड है वो ब्रिटिशर से आया है, एक तरीके से उन्होंने हमें इंडिया दिया है, लेकिन भारत वर्ड है वो आज की जनरेशन में मतलब दिल से निकल रहा है लोगों की, लाइक भारत होना चाहिए, हर कोई मेजॉरिटी भी बोल रही है कि भारत होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से भी भारत होना चाहिए। हर जगह इंडिया या भारत? इंडिया क्यों? इंडिया को या भारत से दोनों तो एक ही है। फिर भी आपने इंडिया चुना क्यों? मैं इंडिया का ज़्यादा नाम से जानता हूँ। पार्टी। क्या करते हैं आप? मैं अभी सेकेंड ईयर हूँ BSc फिजिक्स ऑनर्स। इंडिया या भारत? ऑब्वियसली भारत। क्यों? इंडिया इज़ नॉट यू नो कि वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, भारत क्या है, भारत हमारी सबसे मेन की वो हिंदी वर्ड है, हमारी मातृभाषा, ठीक है, तो इंडिया इज़ इंग्लिश वर्ड, पहली चीज़, तो हमें क्या इंग्लिश तो प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली भारत प्रमोट करना चाहिए। और महाभारत सबको पता है क्या आता है, महाभारत इंडिया आता है नहीं आता है ना, और उसमें एक श्लोक है वो तो मुझे याद नहीं है, पर उसमें ही भारत भारतीय हमारा देश बोला गया है, ना कि इंडिया हमारा देश, इंडिया इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर पॉलिटिशियंस एंड ऑल, भारत इज़ बहुत पहले से चला रहा है महाभारत के टाइम से, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फॉलो महाभारत, जिसमें पहले ही बताया गया है कि भारत ही हमारा देश है।
not India. India is introduced by our politicians only. Myself Atul, I am a student of Maharaja Agrasen College, Journalism Honours. आपको क्या लगता है कि आपके देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत? देखिए, मेरे हिसाब से तो हमारी बात आइडेंटिटी की है, हम कैसे अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बात करें कल्चरल प्रेजेंस से तो उसके लिए तो भारत होगा, लेकिन जैसे इंडिया ग्लोबल स्केल पर जाने जाती है इंडिया, ऐसे तो हमारे देश के कई नाम हैं, आर्यवर्त भी है, हिंदुस्तान भी है, लेकिन अगर इस हिसाब से हमारे देखें तो हमारे प्रेस्टीजियस से ऑनर से कहना चाहिए कि मैं एक भारतीय वासी हूँ या इंडियन वासी हूँ। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 भी कहता है, अगर हम उसको हिंदी में बोले तो भारत, अगर इंग्लिश में कहें तो इंडिया, इस तरीके से हम देखें। अब मेरे को ये डाउट आता है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमको एक बार खुद से पहले सोचना पड़ेगा कि मैं पहले भारत बोलूं या इंडिया बोलूं, ये चीज़ दिक्कत देती है। वरना पहले प्राउडली कह सकते थे जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, अगर क्या उसी चीज़ को हम अगर अंग्रेजी में गए तो क्या वो हमारे लिए एक इंडियन हो जाएगा, इंडिया नाम चेंज हो जाएगा? तो मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम कहें तो हमें बस प्राउड और अपनी फीलिंग आनी चाहिए प्राउडनेस की, क्या पैट्रियोटिज्म को फील कर पाए अपने डेप तक, वदरस आप उसको भारत बोलो या इंडिया बोलो, आपके अंदर प्राउडनेस आनी चाहिए अपने देश को रिप्रेजेंट करने की। इंडिया क्यों? बिकॉज भारत ऑलरेडी नेम है, अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसके अंदर भारत इज़ ऑलरेडी मैंशनड, बट इंडिया हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं बिकॉज वो काफ़ी टाइम से ऑलरेडी यू नो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। पर अभी G20 सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, तो उसमें विपक्ष ने काफ़ी मुद्दे उठाए थे, तो इसके पीछे क्या ख्याल है? देखो, बोलते तो बहुत लोग हैं बट आई थिंक इंडिया इज़ बेटर, इंडिया काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है एंड ऑब्वियसली बात है हम हर चीज़ में इंडिया यूज़ करते हैं, तो अब जितने भी अवार्ड्स प्रीवियस ईयर में जीते गए हैं तो अब सबको थोड़ी भारत बनाएंगे, उनमें तो इंडिया ही लिखा होगा ना, तो इट्स बेटर कि हम इंडिया ही लेके चलें। इंडिया या भारत? इंडिया। क्यों? सेम रीज़न, इंडिया बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है और इंडिया में एक वाइब है, ऑब्वियसली बात है, मतलब जहाँ पे अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो भी नाम उनका कुछ स्टैंडर्ड लेवल पे होता है, बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो इंडिया में थोड़ी सी वाइब आती है, इंडिया इंडिया है। विभोर मीणा। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट BA प्रोग्राम DU कॉलेज। इंडिया या भारत? देखिए मैम, DU भारत तो इंडिया से कोई डिबेट टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि इनका ये एजेंडा है कि इंडिया जो हमें ब्रिटिशर से मिला है, अगर ऐसा देखा जाए तो हिंदू नाम भी जो है वो अपना नहीं है, वो अपने फ्रांस ये इंडस के लोगों ने दिया अपन को, तो हिंदू भी हटाओ और हिंदी भी ये भी हटा दो, ठीक है? बाकी ये बेसलेस यूजलेस डिबेट है, चाहे वो इंडिया हो भारत, तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंडियन हैं, भारतीय भी हैं। नाम क्या है आपका? जरमान। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। इंडिया या भारत? आई वुड से भारत। कोई रीज़न? इंडिया में ख्याल से वेस्टर्न से आया है एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जब इंडिया नेम किया था तो उन्होंने एक अच्छी इंटेंशन से नहीं किया था, लाइक लोअर स्टैंडर्ड्स को ऐसे मेंशन करने के लिए एक लैंग्वेज में इंडियंस कह दिया था हमें। आज भी खैर यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडियंस को ऐसे ही देखा जाता है, तो अनहाइजीनिक वे में, लाइक इंडियंस पता नहीं क्यों बोला जाता है यूरोपियंस में, सो इंडिया हमारा कल्चरल लगता है संस्कृत में तो बेटर है। आपका नाम? मेरा नाम अंशुल भाटी है। क्या करते हैं आप? मैं महाराजा कॉलेज में 3rd ईयर। अपने देश का नाम आपको क्या पसंद है, इंडिया या भारत? अगर देखा जाए तो पुराने टाइम से हमारा नाम भारत चला आ रहा था, अब इसको अंग्रेजों ने जब से आए उन्होंने इंडिया रख दिया, अब इसको फिर से ही अब इसको परिवर्तन करके वापस इसको भारत में लाया जाने की कोशिश चल रही है और हमें भारत बहुत अच्छा लग रहा है नाम। आपका नाम? मेरा नाम आयुष है। क्या करते हैं आप? मैं महाराजा अग्रसेन का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म ऑनर्स 1st ईयर। आपको अपने देश का नाम क्या पसंद है, इंडिया या भारत? देखिए अभी फ़िलहाल तो जैसा आपको पता इंडिया ही है, पर अब जो कह रहे हैं कि चेंज करेंगे भारत रखा जाएगा, इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, देश का पहला नाम अगर भारत ही था तो वो ज़रूर रखना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, इंडिया जो नाम दिया गया था ये ब्रिटिशर्स द्वारा ही दिया गया था, असली नाम इंडिया ही है, तो मैं तो कहूँगा मैं इससे पूरे सपोर्ट में हूँ कि हाँ, भारत होना चाहिए।